नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ कोचिंग क्लासेस, जहां मैं आपको अडोब फोटोशॉप 7.0 एंड आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको लाया हूं यूनिट 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास 12 के मोस्ट IMP क्वेश्चन, जिनको पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो कि आपके ऑफलाइन में पेपर आने वाले हैं। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो की ओर ले चलता हूं आपको, जहां मैंने क्लास 12 बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 2 उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, जिसका नाम है यूनिट 2 का मोस्ट IMP 15 क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है जो आपसे है, पहला क्वेश्चन है आपसे, उपयोगिता किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, उपयोगिता किसे कहते हैं, एंड देन उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद आपका आता है उपयोगिता हिरास नियम को लेखा चित्र द्वारा समझाइए, जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से आपका 1-2 नंबर का आना है, 3-3 नंबर की 2 आनी है, 1-5 नंबर का आना है। एंड इसके बाद आपको मैं बता चुका हूँ कि आप, मैंने यूनिट 1 के ऑलरेडी डाल दिए मेरे वीडियो में, आपको यदि वो नहीं मिली है तो ऊपर आई आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया उपयोगिता हिरास नियम की मान्यताएं एवं अपवाद लिखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आपके लिए। देन सम सीमांत उपयोगिता नियम को लेखा चित्र द्वारा समझाइए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, मैं यूनिट बाय यूनिट आपको देता रहूंगा क्वेश्चन। देन इसके बाद आता है सम सीमांत उपयोगिता नियम के महत्व लिखिए, जो ऑफलाइन में पेपर होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। देन इसके बाद उदासीन वक्र किसे कहते हैं, इसको लेखा चित्र द्वारा समझाइए। उदासीन वक्र को ही कहते हैं तटस्थ वक्र की विशेषताएं लिखिए। देन मांग किसे कहते हैं, इसके बाद आता है मांग एवं आवश्यकता में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आने की 100% इसकी पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। देन इसके बाद आता है मांग के प्रकार लिखिए। देन मांग को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। इन मोस्ट IMP क्वेश्चन ने मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मांग का नियम लेखा चित्र द्वारा समझाइए। देन इसके बाद जो 40 क्वेश्चन है मेरा, देन मांग की लोच के प्रकार लिखिए। देन इसके बाद आता है क्वेश्चन मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए, इनको पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लीज आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ को आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मैं यूनिट बाय यूनिट जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।